यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। सेल्फी सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर के जमाने में ईस्टर का महत्व अभी भी बना हुआ है, भले लोग भूल गए हों कि पास्का क्या है, गुर्दहवाई क्या है, पाप स्वीकार क्या है, लेकिन जो बाइबल में लिखा था, जो घटनाएं हुई थी, उसको अधिक से अधिक लोग अनुसरण कर रहे हैं, उपवास परहेज कर रहे हैं, त्याग तपस्या भी कर रहे हैं, पाप स्वीकार भी कर रहे हैं, बुधवार और शुक्रवार को क्रूस रास्ता में ही भाग ले रहे हैं। एक यह भी संदेश लोगों के बीच जाता है कि त्याग जो हम करते हैं, उपवास जो करते हैं, परहेज जो करते हैं, उससे कुछ बचाते हैं और वह चर्च में हम दान स्वरूप देते हैं या गुप्त दान स्वरूप देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुआ का काम करता है। तो इन विधियों से हम पास्का के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ईस्टर ये जो है विजय का उत्सव है, विजय का त्यौहार। ईस्टर सचमुच में यीशु मसीह जो जी उठे थे, तीसरे दिन में यीशु मसीह जी उठे थे, उसके यादगारी में हम लोग ये ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। और ये जो ईस्टर का त्यौहार है, सचमुच पूरे देश में, हमारे भारत देश में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। यीशु मसीह के कुछ दुश्मन लोग थे, वो लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह को हम लोग मारें, उसकी हत्या करें, और वो लोग षड्यंत्र रचित थे। हम लोग चाह रहे थे कि यीशु को अगर हम लोग मार देंगे, उसकी हत्या हो जाएगी, तो हम लोग का मकसद पूरा हो जाएगा, हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन यीशु को कुछ दूसरी योजना बनाकर इस धरती पर आए थे। यीशु मसीह केवल मरने के लिए नहीं, अपनी जान देने के लिए नहीं, लेकिन तीसरे दिन जी उठने के लिए भी इस धरती पर आए थे। मृत्यु से बढ़कर उनकी सोच थी, और सचमुच में दुश्मन लोग जरूर उसको मार दिए, उसकी हत्या होगी, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठते हैं। और तीसरे दिन यीशु जब जी उठे तो वो अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्होंने कहा, देखो मैं जीवित हूँ। उसके चेले तो भयभीत हो उठे थे, क्या ये भूत है, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन नहीं, यीशु मसीह वास्तव में जी उठे थे। और उसके बाद कई दिनों तक वो अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्तियों को दिखाई दिए, उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और यीशु जिंदा है, आज भी जिंदा है, इसीलिए यीशु मसीह को हम लोग उपासना करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और इसीलिए इबादत करना बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। इसीलिए जय यीशु। ईस्टर मृत्यु पर विजय पाने का पर्व है, ये हमें एक नई उम्मीद और एक नई जीवन देता है। मेरे लिए ईस्टर यीशु के प्रेम का बलिदान का प्रतीक है, और साथ ही साथ हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाता है। ईस्टर का संदेश यही है कि हम अपने जीवन में किसी भी स्थिति में डरे नहीं, यीशु हमारे साथ है और वे हमें नई उम्मीद और नया जीवन हर दिन हमें देते हैं। इस नई उम्मीद और नया जीवन के साथ आप सबों को ईस्टर की शुभकामनाएं। एक्चुअली क्या होता है कि क्रिसमस में उतना एक्साइटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन ईस्टर में क्या है कि पूरा होली वीक, पूरा थ्रू आउट द वीक, चाहे वो पाम संडे को लेकर के हो, पाम संडे फिनिश होता है तो देन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मॉन्डी थर्सडे, जब वो फिनिश होता है तो अच्छा कल गुड फ्राइडे है, फिर वो फिनिश होता है तो फिर होली सैटरडे है, फिर वो फिनिश होता है तो नेक्स्ट डे संडे है, गेस्ट आएंगे या आएंगे, तो इस पे पूरा वो जो हमारा जो एक्साइटमेंट रहता है वो अच्छे तरीके से पूरा भर जाता है। जबकि क्रिसमस में चूंकि वो एक दिन में आता और चला जाता है तो उतना हमारा वो एक्साइटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। दोनों ही बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो ईस्टर में आता है। ईस्टर ही हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसके विषय में बाइबल में भी लिखा है कि तुम्हें पासओवर फेस्टिवल मनाना है, तो हमारे लिए ईस्टर सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें से काफी धूमधाम से मनाते हैं और मनाने की हर साल कोशिश करते हैं, हर साल हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। And like the seed,
the small seed, it has the life. But this seed has to go inside the soil, die, then only it rise in a new plant. And even it grows, it bring up a big tree where the all birds comes and enjoy the life. So Christ has brought this new life for us, that we may die our own ego, our own life, and rise in Christ. So this is the Easter for me, the Easter joy, the Easter celebration, which brings lot of harmony in the environment and to each one's life and hearts. आज यीशु जिंदा